जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एसएससी एमटीएस 2019 की जो आपकी एग्जाम हुई थी उसके आंसर की जो है एसएससी ने यहाँ पर जारी कर दी है, ठीक है। तो आप एसएससी की ऑफिशियल साइट में जो है जाके वहाँ पर आसानी से अपने आंसर की चेक कर सकते हैं। अगर आपको सर्वर प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को किस प्रकार से सर्वर को जो है सॉल्व करना है उसके बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग जो है आपने अगर आंसर की देख लिया है अपनी, तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में अपने नंबर जरूर बताएंगे ताकि कट ऑफ आपकी जो है किस क्या इस पर भेक्ट पड़ेगा उसके बारे में आप लोगों को सही जानकारी आप लोगों को मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ कि आंसर के आने के बाद जो कट ऑफ फिर क्या परिवर्तन होने वाला है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो बात है कि यहाँ पर आपकी जो आंसर की आई हुई, बहुत से बच्चे के आंसर की जो है मतलब इरर बता रहा है, तो उस प्रॉब्लम को इस प्रकार से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देख लीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कितने नंबर आ रहे हैं अगर आपने देख लिया तो। दोस्तों यहाँ पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो पल पल के अपडेट के लिए जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ किस प्रकार से आपको आंसर की चेक करना है ना। तो आप एसएससी की ऑफिशियल साइट पे जाके जो है आप आसानी से आंसर की चेक कर सकते हो। इसकी जो वेबसाइट है ये ssc.nic.in है, तो ये आपको पता होगा ऑफिशियली जो वेबसाइट है। तो यहाँ पर आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं 6 तारीख को मतलब आज की डेट में एक जो है नोटिस जारी हुआ है, ठीक है। अपलोडिंग ऑफ जो है आंसर की फॉर जो इनवेटिंग चैलेंज MTS जो नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन 2019, तो ये जो एग्ज़ाम हुई थी आपकी, तो इसका जो है आंसर की जो है डाउनलोड मतलब आपका जो है फाइनल जो है आंसर की आ चुकी थी। यहाँ पर देखिए 2 नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है। 2 नोटिफिकेशन आया हुआ है, यहाँ पर सबसे जो नोटिफिकेशन है आपके लिए ये वाला नोटिफिकेशन है, ठीक है, जो आपको 6 तारीख को आया। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, तो ये डाउनलोड हो चुका है और आपके सामने देखिए खुल भी रहा है। तो देखिए मैंने इसको दोबारा डाउनलोड किया है, इसी वजह से जो है लेट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इस नोटिस में देख लीजिए, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो अपलोडिंग फॉर जो है आंसर की जो आई हुई है आपकी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा एसएससी एमटीएस के आंसर की, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2/8/2019 से लेकर 22/8/2019 तक आपकी एग्जाम हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप लोगों को उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है नीचे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो लिंक है, ठीक है। तो ये लिंक आप लोगों को देख लीजिए, इस पर क्लिक कर लीजिएगा तो आपके सामने दूसरा जो है पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन जो है वो मैं बता रहा हूँ क्या सॉल्यूशन है। तो इसको आप क्या करिएगा, बार बार रिफ्रेश करिएगा। तो देखिए एक बार ही मैंने रिफ्रेश किया तो ये यहाँ पर आप लोगों का जो है खुल गया, ठीक है। तो ये रिफ्रेश अगर आप करते हैं एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, तीन बार में जो है आसानी से खुल जाएगा। तो देखिए ये आपके आंसर की मल्टीटास्किंग जो नॉन टेक्निकल एग्जाम हुई थी, तो ये यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिएगा। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है आपका बायोडाटा मांगेगा। तो यहाँ पर देखिए लॉगिन, और यहाँ पर जो है आपको सीधा यहाँ पर एक करना है तो लॉगिन पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट कैंडिडेट बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सही अपना जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो ये आसानी से आपका खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप जो है कमेंट करिएगा कि आपका कितना नंबर है, और जो है आप UR, ठीक है, OBC और STSC भी बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, ताकि हमको जो है मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के कमेंट को लेकर आऊँगा कि आपका कट ऑफ जो है कितना जा सकता है, ठीक है। फाइनल आपका कट ऑफ जो है जो कि 100% जो है तो नहीं बोल सकता, लेकिन 98% आपका कट ऑफ जो है मैं 100 जो है पूरा सही लेके आपके आऊँगा जनरल OBC STSC वालों के लिए, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।